इसीलिए राहुल मैं तुम्हारे ऑटो रिक्शा पर कभी भी कहीं पर नहीं जाता हूँ बैठकर। अब देखो बीच रास्ते पर तुम्हारा ऑटो रिक्शा पंचर हो गया, कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पर, एक घंटा हो गया खड़े खड़े। अरे मोदी जी एक बात बताओ, किसी के ऑटो रिक्शा में क्या पंचर नहीं होता है, मेरे ऑटो रिक्शा में क्या नया पंचर हो गया? अभी तो मैंने अपने ऑटो रिक्शा में नया टायर डलवाया था लेकिन फिर भी पंचर हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी जी जल्दी से स्टेपनी का टायर लाओ, टायर चेंज कर लूं, फिर अपनों को जल्द से जल्द शहर पहुंचना है। ले मेरे बेटे मैं स्टेपनी वाला टायर ले आई, ले तू जैक से उठा तो ऑटो रिक्शा को। मुझे लगता है राहुल अब तुम्हें अपने इस ऑटो रिक्शा को बदल देना चाहिए, ये बहुत पुराना हो गया इसीलिए खराब होता रहता है। योगी जी ऐसे खड़े खड़े कब तक इंतजार करोगे, शहर जाने के लिए देर हो रही है, वहाँ पर शॉपिंग भी अपना लोगों को करना है, चलो चलते हैं, इसका ऑटो रिक्शा सही नहीं होगा मुझे लगता है। अरे मोदी जी क्यों आपस बता रहे हो शहर जाने की, अपना लोग चल ही रहे, मैं टायर चेंज कर चुका बस चलना है। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।